नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा घर पे वेजिटेबल सूप बनाने का एक आसान तरीका, जिससे कि आप घर पे आसानी से सूप बना पाओगे। वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा जरूर देखें। इसके लिए मैंने कुछ वेजिटेबल को सबसे पहले धो के ले लिए थे। सूप के लिए लेंगे हम वेजिटेबल, उसके लिए मैंने लिया बीन्स। बीन्स को भी इस तरीके से बारीक काट लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिया है मैंने गाजर। गाजर को भी हम इसी तरीके से बारीक काट लेंगे। जो भी वेजिटेबल हमारे पास है, इस तरीके से उसको बारीक काट लेंगे। आप चाहो तो थोड़ा सा मोटा भी रख सकते हो, ये आपकी मर्जी। यह हरा प्याज का जो नीचे रूट पार्ट होता है, जड़ वाला पार्ट, उसको मैं इस तरीके से बारीक काट रहा हूँ। इसको भी सूप में यूज करेंगे। आप इसकी जगह पर रेगुलर प्याज भी यूज कर सकते हो। यह बेबी कॉर्न आपके पास हो तो यूज करें, ना हो तो कोई बात नहीं, फिर भी आपका सूप अच्छा बनेगा। ये सारे वेजिटेबल इस तरीके से मैं बारीक काट के पहले सूप के लिए तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ ब्रोकली। आप ब्रोकली की जगह पे यूज करें। फूलगोभी और स्पाइसी के लिए मैं यूज कर रहा हूँ ग्रीन चिली बारीक कटी हुई। इस तरीके से मैंने ग्रीन चिली को बारीक कर लिया है। और यहाँ पे दूसरा मैं यूज कर रहा हूँ मशरूम। आपको मशरूम पसंद है तो आप डाले, ना हो तो आप इसको भी छोड़ सकते हैं। आप केवल गाजर, बीन्स, पत्ता गोभी, जो रेगुलर वेजिटेबल घर पे होता है, शिमला मिर्च, उससे सूप बना सकते हैं। ये सारी कटिंग तैयार होगी। इसमें धनिया, अदरक और लहसुन मेरे पास पहले से कटा हुआ था। हल्का सा लेंगे तेल। आप तेल ले भी सकते हो, ऑप्शनल है, नहीं भी ले सकते हो। इसमें डाल दिया मैं बारीक कटा हुआ लहसुन, अदरक और ये प्याज, जो हरा प्याज का जड़ वाला पार्ट। हल्का सा सौते कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे ग्रीन चिली। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे जो हमने वेजिटेबल को काट के रखा था, ये सारा। हल्का सा इनको टॉस कर लेंगे, भून लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड कर रहा हूँ मैं रेगुलर पानी। आप चाहो तो आपके पास स्टॉक वाटर हो तो आप स्टॉक वाटर को यूज़ करें। ये मेरे पास है रेगुलर पानी, इसको डाल देता हूँ और अच्छे से वेजिटेबल को खोला लेंगे। इसमें मैं आप करेंगे सीजनिंग, कोई भी सॉस यूज नहीं करेंगे। नमक, वाइट पेपर और एरोमेट मैंने यूज़ कर लिया। अच्छे से सूप को खोला लेंगे। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्लैक पेपर करस। आप इसकी जगह पे ब्लैक पेपर पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। ये अपना सूप हो गया तैयार। अब मैं इसे कर रहा हूँ कॉर्नफ्लोर से थिक। आप चाहो तो थिक कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ऐसे भी आप ले सकते हो। खट्टे के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ लेमन जूस। आपके पास हो तो आधा लेमन जूस मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। आधा लेमन का खट्टे के लिए आप अपने हिसाब से, जितना खट्टा आपको पसंद हो उस हिसाब से यूज़ करें। ये हमारा तैयार हो गया वेजिटेबल सूप। एक बहुत इजी रेसिपी जिसको आप घर पे बना पाओगे। अब इसे कर देते हैं सर्व। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। नेक्स्ट रेसिपी के लिए इसी तरीके से सपोर्ट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।